अडियाला रोड पे क्राइम मेंशन को अपडेट नहीं किया काफ़ी अरसे से, तो उसकी फ्रेश अपडेट लेके आए डेवलपमेंट की और इन्फॉर्मेशन की, तो आज हम उस सिलसिले में आए हैं अडियाला रोड पे क्राइम मेंशन में। MZS TV सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर बशीर और आप देख रहे हैं MZS TV। MZS TV के ऊपर हम आपके लिए लाते हैं सोसाइटीज़ रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो इसी सिलसिले में आप लोगों ने कमेंट्स में इसरार किया कि अडियाला रोड पे क्राइम मेंशन को अपडेट नहीं किया काफ़ी अरसे से, तो उसकी फ्रेश अपडेट लेके आए डेवलपमेंट की और इन्फॉर्मेशन की, तो आज हम उस सिलसिले में आए हैं अडियाला रोड पे क्राइम मेंशन में और आपको बताते हैं यहाँ की लेटेस्ट डेवलपमेंट। अगर हमारी आप ओल्ड वीडियो निकाल के देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम डाल देते हैं, जहाँ पे पहले मेन बुलेवार्ड के ऊपर काम स्टार्ट हुआ था और ना होने के बराबर था वो उस टाइम, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेन बुलेवार्ड कारपेटिंग के लिए तकरीबन रेडी होने वाला है और उसके अलावा जो लेवलिंग का काम है वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है और ग्रीनरी के ऊपर काम हो रहा है। 6 माह के अंदर यही अपडेट है इनकी डिवेलपमेंट की। अगर आप इसकी लीगल स्टेटस की बात करें तो लीगल स्टेटस के बारे में जो न्यूज़ है वो यही है कि एक्सपेक्टेड है न्यू फ्यूचर के अंदर अंदर इनका NOC आने की बड़ी उम्मीद लगी हुई है। अगर आप कहें कि अभी इस वक्त तक कंक्रीट वर्क क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, तो उसकी भी रीज़न यही है कि PP1 PP2 और इन चीज़ों की मंजूरी के बाद ही प्रॉपर आप कंक्रीट वर्क शुरू कर सकते हैं, और चूंकि अभी ये सारे मराहल तय होने बाकी हैं जिनकी वजह से सिर्फ लेवलिंग तक का काम आप तेज़ी के साथ देख रहे हैं, लेकिन जो बाकी मेन बुलेवार्ड की कारपेटिंग होगी या स्ट्रीट कटिंग्स होगी इस तरह की चीज़ें वो प्रॉपर लेआउट प्लान अप्रूवल के बाद ही की जा सकती हैं। तो ये है इनकी जनाब क्राइम मेंशन की अपडेट। उम्मीद है जिन लोगों ने कमेंट किया होगा वो तो लाइक और कमेंट करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने आज पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है, वीडियो अगर आपको पसंद आएगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ ज़ुबैर बशीर को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें, बहुत जल्द अल्लाह हाफिज़।